सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या हालचाल सभी के? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं DJI Action 2 का, देख सकते हो। और इसका मैंने कवर और टेम्पर्ड भी मंगा लिया है, तो उसका भी अनबॉक्सिंग होगा और उसको भी दिखाएंगे। तो इसका एक डिटेल अनबॉक्सिंग होने वाला है और मैं इस पर कौन सा माइक यूज़ होगा वो मैं बताऊँगा। और अभी ये वीडियो इसी से रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर लिया था। तो ये एक एक्शन कैमरा है, तो आप लोग अगर ब्लॉगिंग पर्पज़ से ले रहे हो तो इस तरीके का कुछ आपका फुटेज आने वाला है। और अभी 2.7 के 50 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, रॉक स्टडी इसका ऑन है। तो कुछ इस तरीके का मैं स्टेप चल रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके का कुछ रहेगा। और मोटो ब्लॉगिंग पर्पस से ले रहे हो तो मैं मोटो ब्लॉगिंग भी इस वीडियो के आखिरी में आप लोग को करके दिखाऊंगा, तो आप लोग को समय एक अंदाज़ा मिल जाएगा। और माइक का इसका काफ़ी लोचा रहता है, तो अभी मैं सन के अगेंस्ट हूँ तो ये भी देख सकते हो किस तरीके का मतलब व्यू आ रहा है। तो माइक का लोचा रहता है इसके साथ, तो मैं माइक भी बताऊँगा इस वीडियो के आखिरी तक आप लोग टिके रहना। तो मैं माइक भी बताऊँगा कौन सा इस पर माइक यूज करना है। और इसको आप फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, मेरा EMI, मैंने EMI पे इसको मंगाया है। और मेरा एक सजेशन लो तो आप अमेज़ॉन से मंगाना इसको, अगर कैश में मंगा रहे हो या जैसे भी, कोशिश करना अमेज़ॉन से मंगाओ। क्योंकि अमेज़ॉन से मंगाओगे तो आपको हो सकता है कि इसके इसके साथ ओरिजिनल इसका कवर फ्री मिले, मैग्नेटिक कवर। तो मेरा तो मजबूरी था तो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया, तो ये भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और टेम्पर्ड कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद आप लोग को मिलते हैं एक मोटो ब्लॉग वीडियो पे, इससे मोटो ब्लॉग भी आप लोग को करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखो कैमरा आ गया है, और बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा इसके लिए क्योंकि ये इसको 24 को आना था तो 24 को नहीं आया। नॉर्मली ऐसे देखो एक दिन पहले मेरा सामान आ जाता है, लेकिन जो जिस चीज़ का मैं वेट करता हूँ अधिकतर वो चीज़ लेट होता है, पता नहीं क्यों। तो कैमरा आ गया है, मैंने DJI का कैमरा मंगाया था तो उसको खोल लिया हूँ बाकी, लेकिन कैमरा अभी अनबॉक्स नहीं किया हूँ, ये फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स है। तो सबसे पहले आप लोग को एक फ़नी चीज़ दिखाना है कि इसके अंदर देख सकते हो कुछ क्रीम फ्री मिला है, ये देख सकते हो ये कैमरा है, पूरा रैप है। और ये इसका कवर और टेम्पर्ड दो दिन पहले ही आ गया था, कैमरा को इससे एक दिन पहले आना था लेकिन कैमरा मैंने बताया 3 दिन लगभग लेट है, 27 को आ जाया हुआ है। तो चलो इसको खोलते हैं, बाकी इसको तो खोल लिया था। तो गाइस देख सकते हो कैमरा अपना, चलो इसको खोलते हैं और इसके फीचर और रिव्यू के थोड़ा यूज करने के बाद मैं बात करूंगा। आज इसका अनबॉक्सिंग है और आप लोग को इससे मोटो व्लॉग हो सके तो करके दिखा दूंगा मैं। तो चलो जल्दी से इसको खोलते हैं, पूरा लेमिनेटेड है, रैप है। तो देखो गाइस ये डिटेल वीडियो नहीं है, डिटेल के इस पर कभी और हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग आज खाली कैमरा खोल रहे हैं। और ये 1 ईयर वारंटी आया हुआ है तो इसको हम लोग बाद में अपना फिक्स कर लेंगे। तो कैमरा खोलते हैं, सबको इसमें रखते हैं ज़रूरत पड़ेगा। तो सील है कि नहीं कैमरा भी देखते हैं। तो गाइस सील नहीं है कैमरा पे, देख सकते हो कोई ब्रांड की तरफ से सील नहीं आया हुआ है, वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो सबसे पहले ये देख सकते हो कुछ इसमें लग रहा है, मेरे हिसाब से पेपर वर्क है। DJI मैनुअल बहुत सारे देता है तो इसमें तो ये देख सकते हो कैमरा है यहाँ पे दोनों। और इसके बाद इसमें देख सकते हो ये एक माउंट है, मैग्नेटिक माउंट है, सारे, और ये फंगस ना आए इस वजह से है। और ये एक और माउंट है। तो सबसे पहले कैमरा माउंट, हम लोग कैमरा देखते हैं। तो कैमरा देख सकते हो ये दो पार्ट में आया हुआ है, ये इसका बैटरी माउंट, बैटरी वाला पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा वेट है और पूरा एल्युमिनियम का है ये। तो और इसके बाद ये मेन कैमरा है। और गाइस ये मत सोचना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ गाइस, ये EMI पे आया हुआ है सबसे पहली बात। EMI इसका भरना है अभी। तो कैमरा का ये उछाड़ते हैं तो आएगा कैसे, धुंधला आएगा ना, देखो साफ नहीं है, उसको उछाड़ना ही पड़ेगा। गाइस देख सकते हो कैमरा है कितना प्रीमियम लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी धूप है, गर्म हो गया हम लोग का शरीर धूप में रह के अभी काफ़ी देर से हम लोग, लेकिन कैमरा एकदम मतलब बर्फ़ की तरह गल रहा है, थोड़ा ठंडा है काफ़ी ज़्यादा। इसको ऑन करके देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस वाइब्रेशन आ गया और ऑन हो गया, देख सकते हो पहले सेटअप करने को बोला जा रहा है तो हम लोग इंग्लिश कर लेंगे। और 5 तो ये देख सकते हो कैमरा आ गया है, ये देख सकते हो इसमें ये कुछ आ रहा है ऐसे सीन। और यहाँ पे एडजस्ट सारे मैनुअल दिए जा रहे हैं, और ये इस पर ऐसे लग जाता है, ये देख सकते हो। और ये इसको चार्ज करता है जब भी लगता है, देख सकते हो 52% जब भी लगाएंगे तो ये इसको चार्ज करता है। और ये दोनों को भी लगा के आप चला सकते हैं और इसको भी लगा के चला सकते हैं। तो डिटेल के बारे में हम कभी और बात करेंगे, मैंने बोला हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा और सामान आपको दिखा देते हैं इसके साथ आया क्या आया हुआ, तो इसको फाड़ना ही पड़ेगा।
फील्ड है, देख सकते हो ये मैग्नेटिक माउंट है और ये भी ऐसे लग जाएंगे ये, तो ये ऐसे फ़ोन पे लग जाएगा और जहाँ भी आप लगाना चाहें, किसी भी ट्राइपॉड पे लगाना चाहें, सभी जगह लग जाएगा। और ये एक बहुत ज़्यादा एसेसरीज इसमें नहीं मिलते, क्योंकि गोप्रो और लोकल कैमरा में तो भर भर के एसेसरीज मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एसेसरीज नहीं मिलता। और ये एक देख सकते हो चेन वाला एक है, इसको आप अपने गले में लटका सकते हैं और इससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू आता है, मैंने देखा है। तो ये देख सकते हो, इसको आप लोग तो गाइस पहली बात कैमरा गिर गया है, हम लोग बात कर रहे थे और खोल के कैमरा एक बार हम लोग का गिर गया है, तो आओ इसका कवर खोलते हैं और जल्दी से कवर और टेम्पर लगाते हैं। आओ इसका खोलते हैं, नहीं कांड हो जाएगा गाइस। और उस पर स्क्रैच भी आ गया थोड़ा सा कैमरा पे, अब क्या बताया जाए। तो इसका कवर जल्दी से लगा देते हैं कैमरा पे, इसका बिल है कोई मतलब नहीं, इसको इसमें डालते हैं। और देख सकते हो एक्शन प्रो का मैंने मंगाया था, तो ये इसका टेम्पर है और ये कवर है, तो पहले कवर लगा दिया जाए ना। तो आओ फिर इससे मोटो व्लॉग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये अभी मैंने मोटो व्लॉग सेटअप इससे कर दिया है और आवाज कैसी आ रही है आप लोग सुन सकते हो, और ये माइक इसमें एक्सटर्नल लगा हुआ है, तो व्यू देख सकते हो अभी ये सुपर व्यू मतलब जो सबसे ज्यादा है मैक्सिमम व्यू है इसका, अल्ट्रा वाइड उस पर मैंने सेट कर रखा है। और मतलब ऑप्शन है जिसमें वाइड है, तो इसमें देख सकते हो व्यू बहुत ज्यादा आ रहा होगा 100। तो माइक का बात करते हैं अब आगे, तो माइक इसमें मैंने यूज कर रहा, मतलब माइक आप लोग को कैसे लेना है, कौन सा माइक चूज करना है बता देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के चले जाना, और कुछ माइक के इस पे जो सपोर्ट करते हैं उसके लिंक भी होगी। और इसमें मैं अभी यूज कर रहा हूँ एक लोकल ईयरफोन जिसको टाइप सी है, जो कि और गलती से भी इसमें आप लोग 3.5 mm या एडाप्टर के जरिए मतलब यूज करने का कोशिश मत करना, काफ़ी सारे एडाप्टर इसमें टाइप सी के नहीं काम करते। तो आप लोग को लेना है डायरेक्ट टाइप सी का ईयरफोन या तो टाइप सी का माइक, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्शन से आप लोग मंगा लो या तो फिर आप अपने लोकल मार्केट में चले जाइए और वहाँ से आप टाइप सी के ईयरफोन को लीजिए दुकान से, और उनसे वहां पे आप कैमरा लेके जाइए और कैमरा में डायरेक्ट लगा के चेक करना। यही मैंने भी किया, क्योंकि मेरा काफ़ी पैसे मेरे बर्बाद हो गए खाली माइक के चक्कर में, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिया जो इस पर काम नहीं किया एडाप्टर मेरा। तो मैंने यही किया कि मैं मार्केट में गया कैमरा लेके और हर सभी टाइप सी को ईयरफोन को मैंने चेक किया, तो लगभग सारे ही टाइप सी ईयरफोन इस पर काम कर रहे थे, तो मैंने एक ईयरफोन ले लिया उसमें से और उसी से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो यही है वीडियो, और आशा करता हूँ कि आवाज़ बढ़िया आ रहा हो, क्योंकि ईयरफोन भी काफ़ी ईयरफोन के भी माइक जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप माइक भी मंगाने जाओगे तो 500-600 हज़ार रुपये तक के माइक का यही रहता है, बस नॉइस कंसोलेशन थोड़ा सा बढ़िया होता है। और बाइक चलाते समय आपको नॉइस कंसोलेशन थोड़ा सा एकदम बढ़िया नहीं चाहिए, क्योंकि जब नॉइस कंसोलेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा तो आपको तो गाइज मैं कह रहा था कि नॉइस कैंसिलेशन एकदम कट टू कट रहेगा, खाली वोकल पे ये रिकॉर्ड करेगा तो आप लोग को बाइक का आवाज, बाइक का एग्जॉस्ट नहीं सुनाई देगा, और आसपास की थोड़ा आवाज़ें सुनाई देना चाहिए ताकि आपको फील आए कि आप जहाँ से गुजर रहे हो बाजार में हो या बाइक का एग्जॉस्ट हो, तो बाइक चल रही हो आप जब हाई रेव करो, तो जैसे मैं देख सकते हो अभी मैं हाई रेव किया तो ये मेरा बाइक का आवाज़ आ रहा हो, तो इतना चाहिए। तो गाइज यही थी वीडियो, और
डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, आप मार्केट से आप जाके ले सकते हो और डायरेक्ट इसमें लगा के चेक करो, जो काम करे उसको लेके आओ और अपने हेलमेट में आप फिट करो और उससे अपना काम चलाओ। और चलिए फिर यही थी वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखे हुए तो देखो यार वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को शेयर करना हो तो शेयर कर लेना। और फिर मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, और अभी सारे वीडियोस मेरे इसी सेटअप पे आएंगे इस चैनल पे आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, बाय बाय।